नमाज के अंदर अगर मोबाइल की घंटी बजे पहले क्यों नहीं बंद कर देते आप? जब हरम में आते हैं तो उसी वक्त साइलेंट पे लगा दें, लेकिन दोबारा उसको बंद कर सकता है हाथ से। ये नहीं कि देख के पहले किसकी कॉल है नंबर भी पढ़ ले फिर तो नमाज गई। अगर वहीं खड़े खड़े बंद कर दे बेहतर है, ताकि लोगों की नमाजें तो खराब ना हो ना, क्योंकि आजकल आपने घंटी तो रखी हुई नहीं, आपने तो माशाल्लाह म्यूजिक पर रखा हुआ है ताकि अल्लाह के हरम में भी माशाल्लाह म्यूजिक सुनते रहे। जो सारा दिन इबादत की वो एक गाना सुनने में खत्म हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, यही वजह है ना, हम पर असर नहीं होता। एक टैंकी पूरी पानी की भर दो और नीचे एक टूटी छोड़ दो, दो घंटे बाद चार घंटे बाद टैंकी खाली हो जाएगी। हम तवाब भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, गैर औरतों को भी देखते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, दाढ़ी भी मंडाते, फायदा क्या होगा?